हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। और आज हम लोग अपने टॉम के लेक्चर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 बार चेन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। बिफोर दैट थोड़ी सी बात हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने मोबिलिटी की बात की थी लास्ट टर्न पर। ठीक है, तो अगर मोबिलिटी 0 है, ठीक है, तो उस चेन को हम लोग क्या बोलते थे, उस चेन को हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चर। ठीक, इफ़ मोबिलिटी इज़ 0 देन वी विल से दैट इट इज़ ए स्ट्रक्चर। ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए यूज़ होता है, सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, इसमें मोशन नहीं होता है। किसी भी लिंक को मोशन करने पर बाकी के लिंक्स में कोई मोशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मोबिलिटी लेस देन 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन वी से दैट इट इज़ अ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, क्या है ये सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, राइट। और अगर कभी मोबिलिटी मोर देन और इक्वल टू 1 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मोर देन 1 भी है और इक्वल टू 1 भी है, एक भी है और एक से ज़्यादा भी है, तो पॉसिबिलिटी बनती है अगर ऐसी, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मैकेनिज्म है, राइट। ठीक है, छोटी सी बात हम लोगों को रिवाइज़ करनी थी, आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता दूं कि किसी भी काइनेमेटिक चेन में जो लिंक कंप्लीट फुल रोटेशन करती है 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन करती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रैंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी मैकेनिज्म में जो लिंक 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, और जो लिंक ऑसिलेट करती है उसे हम लोग बोलते हैं लीवर या फिर रॉकर। ठीक है, लीवर या रॉकर, राइट। तो ये बातें हम लोगों को आज की क्लास के लिए ध्यान रखना है कि लीवर क्या है और क्रैंक क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 बार चेन को स्टडी करते हैं। 4 बार चेन क्या है, देखिए 4 बार चेन को हम लोग 4 बार लिंकेज भी बोलते हैं, और ये सिंपलेस्ट प्लेनर काइनेमेटिक चेन है। ठीक है ना, ये क्या है, सिंपलेस्ट प्लेनर काइनेमेटिक चेन है। सिंपलेस्ट प्लेन काइनेमेटिक चेन है, इट इज़ सिंपलेस्ट प्लेन काइनेमेटिक चेन, और ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी ये मैकेनाइजेशन में और कंट्रोल ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, द 4 बार चेन और 4 बार लिंकेज। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि 4 बार चेन के लिए हम लोग ग्रेशॉफ्स रूल और लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 लिंक होती है, 4 लिंक्स वी हैव, 4 लिंक्स होती है जो आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, 4 रिजिड बॉडीज या रॉड होती है, रॉड्स होती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग उस 4 बार चेन को स्टडी करेंगे जो आपस में टर्निंग पेयर से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, द 4 बार चेन क्या है, हमारे पास एक सिंपलेस्ट प्लेन काइनेमेटिक चेन है जिसको हम लोग ग्रेशॉफ्स रूल से यूज़ करके पढ़ेंगे, और इसमें 4 लिंक्स होती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये कुछ ऐसा होता है, हमारे पास 4 लिंक्स होंगी लाइक दिस। ठीक है, एक लिंक हमारे पास ये है, एक लिंक हमारे पास ये है लिंक 2, एक लिंक हमारे पास ये है लिंक 3, एक लिंक हमारे पास ये है लिंक 4। ठीक है,
इस लिंक की लेंथ लेट से इट इज़ एल वन, इस लिंक की लेंथ लेट से इट इज़ एल टू, इस लिंक की लेंथ लेट से इट इज़ एल थ्री और इस लिंक की लेंथ लेट से एल फोर है। तो ये हमारे पास चार लिंक हैं और चारों की क्या है लेंथ अलग अलग है, कभी कभी बराबर भी होती है, ठीक है, कोई दो भी बराबर हो सकते हैं। और जब इस लिंक में किसी इस चेन में हम किसी लिंक को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो यही हमारे लिए क्या बन जाता है, लिंकेज मैकेनिज्म। तो यही मैकेनिज्म बन जाता है जिससे हम मोशन को ट्रांसफ़र भी करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं, ठीक है। तो फोर बार चेन क्या है, चार रिजिड लिंक्स का कनेक्शन है और ये सिंपलेस्ट प्लेनर काइनेमेटिक चेन है जिसमें हम लोग रिसर्व स्टार यूज़ करते हैं और इसके बेसिस पर हम इसके इन्वर्जन्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ग्रेशोव्स रूल क्या है कि हमारे पास एक लिंक है जो कनेक्टेड है फुली रोटेटेबल जॉइंट से, हमारे पास एक लिंक है किसी काइनेमेटिक चेन में जो कनेक्टेड है फुली रोटेटेबल जॉइंट से, तो वो लिंक कौन सी लिंक होनी चाहिए, वो लिंक शॉर्टेस्ट लिंक होनी चाहिए उस फोर बार चेन की। दिस इज़ व्हाट ग्रेशोव्स रूल, ठीक है। तो द लिंक कनेक्टेड टू फुली रोटेटेबल जॉइंट मस्ट बी शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है, ठीक, राइट। तो किसी काइनेमेटिक चेन में जो चार रिजिड रॉड से मिलकर बनी है यानी फोर बार चेन है, अगर उसमें एक लिंक एक फुली रोटेटेबल जॉइंट से कनेक्टेड है तो दैट मस्ट बी अ शॉर्टेस्ट लिंक, वो कैसी लिंक होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट लिंक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेशोव्स चेन, ठीक है, ग्रेशोव्स चेन क्या होता है, वो काइनेमेटिक फोर बार चेन जिसमें एटलीस्ट एक क्रैंक जो फुली रोटेट कर सके या वो लिंक जो कंप्लीट रोटेशन कर सके, दैट चेन इज कॉल्ड ग्रेशोव्स चेन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे इसमें ये लिंक है जो कनेक्टेड है फुली रोटेटेबल जॉइंट से, तो ऑब्वियसली ये लिंक क्या करेगी, फुल रोटेशन करेगी, और अगर ये फुल रोटेशन कर रही है तो ये उस चेन के लिए कैसे वर्क करेगी, एज अ क्रैंक, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर चेन के लिए कैसे वर्क करेगी, एज अ क्रैंक। इसका मतलब ये है कि वो काइनेमेटिक चेन जिसमें हम लोग ग्रेशोव्स रूल लगा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लिंक ऐसी होनी चाहिए जो क्रैंक की तरह वर्क करे, ठीक है। तो उस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेशोव्स चेन। तो लिखेंगे द काइनेमेटिक फोर बार चेन, having at least one fully rotatable link that is called crank, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, crank, ठीक है, is called Grashof's chain, उसे Grashof's चेन कहेंगे, ठीक है। तो वो फोर बार चेन जिसमें एटलीस्ट वन हमारे पास लिंक है जो फुली रोटेट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेशोव्स चेन। तो कुछ चेन्स ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी लिंक फुली रोटेट नहीं करती है, जैसे लोकोमोटिव में यूज़ करने वाली डेल्टॉइड लिंकेज में यूज़ की जाने वाली काइनेमेटिक चेन, उसमें कोई भी लिंक फुली रोटेट नहीं करती है, तो उन लिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेशोव्स चेन, ठीक है, उसमें कोई भी लिंक फुली रोटेट नहीं करती। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ग्रेशोव्स चेन पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास लिंक एटलीस्ट ऐसी एक होनी चाहिए जो फुली रोटेट करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर बार चेन, ठीक है। फोर बार चेन में हमारे पास क्या होता है, चार रिजिड बॉडीज़ होती हैं यानी चार लिंक्स होते हैं जिनकी लेंथ होती है कुछ की सेम होती है, कुछ दो की सेम होगी या हो सकता है चारों की अलग अलग हो, ठीक है। तो फोर बार चेन
कब इम्पॉसिबल होती है, तो लेट अस सी फर्स्ट कि फोर बार चेन बनना कब इम्पॉसिबल होता है, और अगर पॉसिबल है तो उसमें और क्या क्या कंडीशंस है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास चार लिंक है, लेट्स से हमारे पास एक लिंक ये है, ठीक है, एक लिंक ये है, ये लिंक जिसकी लेंथ L1 है, एक लिंक ये हो गई हमारे पास, एक लिंक हमारे पास ये है, ठीक है, ये लिंक 2 हो गई, लेंथ कितनी है L2, एक लिंक है हमारे पास कुछ ऐसी, ठीक है, ये लिंक है हमारे पास 3 और इसकी लेंथ है L3, एक लिंक हमारे पास कुछ ऐसी है, ये लिंक है 4 और इसकी लेंथ कितनी है L4। अगर हम इन सबको जोड़ करके चेन बनाएं तो लेट्स से हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी बनती है, ठीक है, एक हो गई हमारे पास ये लिंक, इसे कौन सी लिंक बोल दे, लेट्स से इट इज़ लिंक L3, इसके बाद इससे हमने जोड़ा दूसरी लिंक दैट इज़ L2, ठीक है, जिसकी लेंथ L2 है, दिस इज़ माई लिंक 3, दिस इज़ माई लिंक 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या जोड़ा, लिंक 1 हमने जोड़ा इस तरीके से, लेट्स से इट इज़ माई लिंक 1 हैविंग लेंथ L1, ठीक है, और उसके बाद एक लिंक बची हमारे पास L4, तो ये हो गई हमारी L4, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये होगी हमारी लिंक L4, ठीक है। ये होगी हमारी लिंक L4, ठीक है। अब ये लिंकेज कब बनेगा, ये तो चेन बनी, लिंकेज कब बनेगा, जब हम इसे क्या कर दें, किसी एक लिंक को फिक्स कर दें। लेट्स हम लोगों ने इस लिंक 3 को फिक्स कर दिया, ठीक है, ये हमारी लिंक 3 थी, इसे हमने फिक्स कर दिया। अब कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि एक लिंक की लेंथ यानी लिंक L3 की लेंथ बाकी सारे लिंक की लेंथ के सम से भी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कंडीशन क्या बनी कि लिंक L3 वो ज़्यादा है बाकी तीनों लिंक्स के लेंथ के सम के, दैट इज़ L1 प्लस L2 प्लस L4। अगर फोर बार चेन हमें बनानी है तो एटलीस्ट ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि कोई भी लिंक इतनी बड़ी ना हो, कोई भी लिंक इतनी बड़ी ना हो कि वो बाकी की तीनों लिंक के सम से भी ज़्यादा हो जाए, और उस कंडीशन में फोर बार चेन नहीं बनेगा। तो व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ फोर बार चेन, व्हेन द लिंक ऑफ द लेंथ ऑफ वन लिंक इज़ मोर देन द सम ऑफ द अदर लेंथ ऑफ द लिंक, बाकी की लिंक की लेंथ से अगर किसी एक लिंक की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो फोर बार चेन बनना इम्पॉसिबल होगा। तो इसे लिखेंगे इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट फोर बार चेन, ठीक है, फोर बार चेन या मैकेनिज्म नहीं बना सकते, ठीक है, इन चारों लिंक से हम लोग ये फोर बार चेन नहीं बना सकते हैं किसी, क्योंकि किसी एक लिंक की लेंथ बाकी सारे लिंक की, बाकी तीनों जो सारी हैं यानी तीनों हैं उनके लिंक की लेंथ के सम से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद फोर बार चेन में हमारे पास कंडीशन क्या क्या बनेगी, लेट्स से हम लोग के पास एक फोर बार चेन है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये, लेट्स से इट इज़ आवर लिंक वन, इट इज़ आवर लिंक टू हैविंग लेंथ L2, हैविंग लेंथ L1, एक लिंक और है, ये लिंक 3 है हैविंग लेंथ L3, और एक लिंक और है हमारी, ठीक है, लिंक फोर हैविंग लेंथ L4, ठीक है, L4, ये चार लिंक है हमारे पास, ठीक है। हम लोग इसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या करेंगे, किसी एक लिंक को फिक्स कर दें, ठीक है, ये तो फिक्स है कि अगर ये ग्रैशोव्स चेन है तो इसमें एटलीस्ट एक लिंक ऐसी होगी जो फुली रोटेटेबल होगी, ठीक है, और वो शॉर्टेस्ट लिंक होगी, अगर एक ही है तो वो शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी, याद रखिएगा फोर बार चेन के लिए कुछ कंडीशन है वो हमें देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्टेस्ट लिंक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एस एल फॉर शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है, उसके बाद एल एल बोले तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट लिंक,
और लॉन्गेस्ट लिंक, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिंक ये शॉर्टेस्ट लिंक, उसके बाद एल ए एंड एल बी क्या होंगे, आर अदर टू लिंक्स ऑफ द अदर टू लिंक्स ऑफ फोर बार चेन, लिंक्स ऑफ फोर बार चेन, ठीक है। अगर SL की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट लिंक है, LL की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट लिंक है उस फोर बार चेन की, और बाकी सारी जो दो बची हैं लिंक वो LA और LB हैं जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के बाद बच गई हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ, ठीक है, अगर ये कम है विद द सम ऑफ अदर टू लिंक्स दैट इज़ LA प्लस LB, अगर ये कंडीशन बनती है, ठीक, किसी फोर बार चेन में जो सबसे बड़ी वाली लिंक है और जो सबसे छोटी वाली लिंक है उनका सम बाकी की बची हुई जो दो लिंक है उनकी लेंथ के सम से कम आता है, तब हम इस कंडीशन में बोलेंगे ये ग्रैशॉफ्स चेन है, इट इज़ ग्रैशॉफ्स चेन, ये ग्रैशॉफ्स चेन है। तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक लिंक ऐसी होगी जो फुली रोटेटेबल होगी, दो भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन तो होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हुई हमारे पास, ठीक है, पहली कंडीशन ये हुई कि शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ का सम बाकी बची हुई दोनों लिंक की लेंथ के सम से कम होगी तो वो ग्रैशॉफ्स चेन बनेंगी और इसमें एटलीस्ट वन लिंक होगी जो फुली रोटेटेबल होगी, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए और क्या क्या हो सकता है, और ये चीज़ हो सकता है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसकी लेंथ और लॉन्गेस्ट लिंक है उसकी लेंथ उनका सम ज़्यादा हो बाकी की दोनों लिंक की लेंथ के सम से, दैट इज़ LA प्लस LB से ज़्यादा हो। इस केस में जो चेन बनती है उसे बोलते हैं नॉन ग्रैशॉफ्स चेन, नॉन ग्रैशॉफ्स चेन, ठीक है। और इसमें कोई भी लिंक ऐसी नहीं होती है जो फुली रोटेटेबल हो, तो नो लिंक इज फुली रोटेटेबल, फुली रोटेटेबल यानी कि इसमें कोई भी क्रैंक नहीं होता, नो क्रैंक, इसमें कोई भी क्रैंक नहीं होता, इसमें कोई भी क्रैंक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड है अगर शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ का सम बाकी दोनों बची हुई लिंक की लेंथ के सम के बराबर हो जाए, ठीक है, एक कंडीशन ये बनती है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टॉइड लिंकेज में और पैरेलल फोर बार चेन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे जो लोकोमोटिव। चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग देखते हैं इनके इन्वर्जन क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें ग्रैशॉफ्स चेन है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी की जो दो लिंक है वो LA और LB उनकी लेंथ थी, तो लेट्स से कि LA है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और LB है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ का सम कितना है, सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिंक, तो ये है हमारे पास 12 और 3 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और LA और LB अगर इनका सम देखा जाए LA प्लस LB तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स दैट इज LA प्लस LB। और जब ये कंडीशन आएगी इसका मतलब ये है कि ये जो चेन है कैसी चेन है, ग्रैशॉफ्स चेन, ठीक है, ग्रैशॉफ्स चेन है। इसमें हो सकता है दो FO, ठीक है, तो ग्रैशॉफ्स चेन है क्योंकि इसमें सम ऑफ शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक
छोटा है विद रिस्पेक्ट टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स। तो ये ग्राशॉफ चेन है और वन बाई वन हम चलते हैं इसका इन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। नंबर वन, पहला इन्वर्जन क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है, फर्स्ट इन्वर्जन देखते हैं। फर्स्ट इन्वर्जन, अगर हम लोग शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, अगर हम लोग शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर देंगे ना, यानी इसको अगर फिक्स कर देंगे, तो इसके बगल वाली जो दो लिंक हैं दैट इज़ 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगी, कंप्लीट रोटेशन, यानी दे विल एक्ट एज अ क्रैंक। और क्योंकि इस चेन में हमारे पास दो क्रैंक हैं, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हम लोग ने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया है, तो एडजेसेंट टू लिंक्स विल रोटेट कम्प्लीटली, यानी कैसे बिहेव करेंगे, एज अ क्रैंक, ये क्रैंक की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्राइटेरियन फॉर डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो अगर कभी हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म चाहिए, डबल क्रैंक मैकेनिज्म अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करना होगा। अगर हमने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया, तो उसके बगल वाली जो दो लिंक हैं वो कंप्लीट रोटेशन करेंगी, यानी वो दोनों क्रैंक बन जाएंगी, और उस केस में हमें जो मैकेनिज्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। लेट्स से इन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास लिंक थ्री फिक्स है, ठीक है, लिंक थ्री हमारे पास शॉर्टेस्ट लिंक है, तो वो फिक्स हो गई, तो हमारे लिए क्रैंक कौन कौन सी लिंक बनेंगी, तो क्रैंक बनेंगी वो लिंक जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर वाली और एक 8 सेंटीमीटर वाली लिंक, और दोनों को जोड़ने वाली जो लिंक हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रॉड या कपलर, ठीक। तो पहला इन्वर्जन यानी फर्स्ट इन्वर्जन क्या है कि अगर हम लोग इस ग्राशॉफ चेन की शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, तो हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली जो दोनों लिंक हैं वो कंप्लीट रोटेशन करेंगी, ठीक है। तो ये पहला इन्वर्जन है। चलिए दूसरा इन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, दूसरा इन्वर्जन देखते हैं। दूसरे इन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, जो लिंक सबसे छोटी है उसके अपोजिट साइड वाली लिंक को फिक्स कर देंगे, ठीक है, जो लिंक सबसे छोटी है उसके अपोजिट साइड वाली लिंक को हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो सेकंड इन्वर्जन हमें कैसे मिलेगा, सेकंड इन्वर्जन हमें मिलेगा अगर लिंक अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स, जो शॉर्टेस्ट लिंक है लिंक फिक्स्ड, ठीक है, अगर हम लोग शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाले लिंक को फिक्स कर दें, तो क्या होगा, तो इसके एडजेसेंट जो दो लिंक हैं, ठीक है, कौन कौन सी लिंक, एक लिंक ये वाली और एक लिंक ये वाली, ठीक है, लिंक हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर और लिंक हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये कैसे बिहेव करेंगे, दे विल ऑसिलेट, है ना, लिंक एडजेसेंट टू फिक्स्ड लिंक विल ऑसिलेट, ये दोनों लिंक ऑसिलेट करेंगी, ठीक है, ये दोनों लिंक ऑसिलेट करेंगी, यानी ये रॉकर की तरह वर्क करेंगी, हैंस क्योंकि इस चेन में हमारे पास दो रॉकर हैं, तो इसे बोलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल
रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है, डबल रॉकर मैकेनिज्म हम लोग इसे बोलेंगे। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वॉट्स इंडिकेटर में, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, वॉट्स इंडिकेटर में यूज़ होता है, ठीक है, वॉट्स इंडिकेटर में यूज़ होता है। तो सेकेंड इन्वर्जन हमें कैसे मिला, अगर शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाली अपोजिट लिंक को अगर हम फिक्स कर दें तो उस फिक्स्ड लिंक के बगल वाली जो दो लिंक है वो ऑसिलेट करती हैं, ठीक है, यानी इस केस में हमारे पास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लिंक ऑसिलेट करेगी, जो ऑसिलेट करती है लिंक उसे बोलते हैं रॉकर, क्योंकि इस लिंक में हमारे पास दो रॉकर हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे आया, जब हम लोग ने शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाली लिंक को फिक्स कर दिया, ठीक। चलिए अब देखिए इसका थर्ड इन्वर्जन देखते हैं, इसका थर्ड इन्वर्जन देखते हैं, थर्ड इन्वर्जन अगर हमने लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड, ठीक है, लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स, जैसे ये हमारे पास शॉर्टेस्ट लिंक थी, अभी हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, या तो हम इसको फिक्स कर दें या तो आप चाहें इसको भी फिक्स कर दें, ठीक है, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक हमें फिक्स करना है, तो या तो इसको फिक्स कर दीजिए चाहे इसको फिक्स कर दीजिए, सॉरी, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर हमने इसको फिक्स कर दिया है तो अब हमारे लिए ये जो शॉर्टेस्ट लिंक है ये कंप्लीट रोटेशन करेगी लाइक दिस, तो ये बन जाएगी हमारे लिए क्रैंक, ठीक है, ये हमारे लिए क्रैंक बन जाएगा, और इसके अपोजिट वाली जो लिंक है वो हमारे लिए कैसे बन जाएगी, रॉकर की तरह वर्क करेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग ने लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स कर दी है तो शॉर्टेस्ट लिंक कैसे बिहेव करती है, शॉर्टेस्ट लिंक कैसे बिहेव करती है, एज अ क्रैंक, शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक की तरह बिहेव करती है, शॉर्टेस्ट लिंक क्रैंक की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म इसे बोलते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है जैसे बीम इंजन, ठीक है, बीम इंजन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे अगर इसको इसमें अगर हम लोग इसे क्वेश्चन के फॉर्म में करें, ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लोग ने फिक्स कर दिया है, किसको फिक्स कर दिया, 8 सेंटीमीटर की लेंथ वाली लिंक को, तो 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाली लिंक हमारे लिए क्रैंक की तरह बिहेव करेगी, जो शॉर्टेस्ट लिंक है, और उसके बगल वाली जो लिंक है, ठीक है ना, इसके सामने वाली लिंक कैसे बिहेव करेगी, लीवर की तरह, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैसे बिहेव करेगा, एज अ क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, कहाँ यूज़ होता है, बीम इंजन में यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, थैंक यू।